आपने जैसे बताया था कि डिफेंस में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चे जानते भी हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करें वो, आप कुछ कहना चाहेंगे? सी द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज कॉमन टू व्हाट आई जस्ट सेड। जो मैंने एकेडमिक्स के लिए बताया था वही बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी ट्रू है। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा ये रियलाइज करे कि मेरी हिंदी और मेरी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें आपस में ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, डॉर्मेटरीज में, हॉस्टल्स में, रूम्स में, बिना संकोच के, बिना झिझक के बातचीत करनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हमें अपना वीकली असेसमेंट कराना चाहिए कि हम कितना परसेंट इम्प्रूव हुए या डिप्रूव हुए। अगर हम इम्प्रूव होते हैं तो ये हमें आने वाले दिनों के लिए कॉन्फिडेंस देता है, हमें ये दिखाता है कि हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वी शुड स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश, वी शुड स्पीक अ लॉट ऑफ हिंदी, वी शुड नॉट बी शाय, वी शुड राइट एंड वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम अलग अलग जगह स्ट्रेंजर से, अपने बैचमेट से, जिनको हम जानते नहीं है, उन लोगों से खुल के बात करें और अपने विचार व्यक्त करें। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेप्स जो काफी बच्चे चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पाते। सो अगेन गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब प्लान इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 महीने में आप काफी अच्छा बन सकते हैं, और फिर आपको लास्ट मिनट में 14 दिन का क्रैश कोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने SSB ट्रेनिंग के लिए।